बहुत अच्छा उन्होंने मुझे मेरे साथ बैठे हैं वो यू नो मुझे कंफर्टेबल ट्राई कराया करने की. तो अभी इमेजिन करो ऑडियंस को देखने में कितना मजा आएगा क्योंकि सबने बहुत ही प्यार से बनाया है. फर्स्ट सीन से ही मुझे लगा लाइक मैं पिक्चर कर सकती थी मैं अपने आप, मतलब एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर भले ही दो सीन के लिए हो, आई थिंक दैट रियली लीव्स अ मार्क. थैंक यू सो मच. एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. आप जिस चीज़ पे इतनी मेहनत करते हैं और इतने प्यार से ये शो बनाया गया है, हंगामा प्ले, AVK प्रोडक्शंस, आई थिंक सबने इतनी मेहनत की है. इवन दो ये एपिसोडिक है और हमारा मतलब एक एक एपिसोड की स्टोरी है, शूट वाइज हमने इतना लंबा शेड्यूल नहीं किया है, बट इट स्टिल फील्स वेरी क्लोज टू हार्ट बिकॉज आई थिंक सनम वॉज विथ मी. तो ऑब्वियसली वो जो फीलिंग्स थे वो रियल थे और ऑल ऑफ दैट. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस शो. इसके बाद मैं सीधा जाके शो देखने वाली हूँ. सेम यार, बहुत ही एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा है मुझे क्योंकि कहीं ना कहीं कोरियोग्राफर से एक्टिंग करवाना एक बढ़िया डायरेक्टर का ही काम है. एंड आई थिंक अनिल सर हैज़ वो तो ऑडियंस ही बताएंगी मैंने क्या ही किया है, बट यू नो आई फेल्ट रियली कम्फर्टेबल एंड बिकॉज एबी वॉज देयर एंड अनिल सर ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे मेरे साथ बैठे हैं वो यू नो मुझे कंफर्टेबल ट्राई कराया करने की कोशिश की है. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम फ्रॉम द कास्ट, फ्रॉम द प्रोडक्शन, फ्रॉम हंगामा प्ले टू द आर टाइटल ट्रैक लगा रे ठप्पा. आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन सच ऐसा बटरफ्लाइज वाला मोमेंट. तो कहीं ना कहीं ये जो डेब्यू है पहले किया है, थोड़ा बहुत इन्हीं के साथ एक्टिंग किया है, बट यू नो दिस सीम्स लाइक अ डेब्यू क्योंकि इस पर आई थिंक थोड़ा ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा ध्यान लगाकर एक्टिंग करी है. यू नो ऑल दो जहाँ तक जो हमारे डायरेक्टर उन्होंने बोला है कि नेचुरली रखो विच इज़ गुड बिकॉज कैरेक्टर भी बहुत ही नेचुरली था. सनम जैसा ही था, मतलब बहुत ही ऐसे स्वीट शिवलरस. तो मेरे कैरेक्टर का नाम कार्तिक है तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं अपने आप को देख पा रहा था उस कैरेक्टर में, कार्तिक में. तो या बहुत मज़ा आया हमें और अभी मज़ा आने वाला है क्योंकि अभी जनता दिखेगी, वो बताएंगी कि कैसा किया और कैसा लगा उनको. आई थिंक उनको सीरीज़ तो बहुत पसंद आने वाली है, बस मेरा काम भी पसंद आ जाए तो मज़ा आ जाएगा. नहीं नहीं दोनों साथ में है. नहीं नहीं ऑल्सो ऑल्सो स्क्रिप्ट डेफिनेटली हम साथ में तो कुछ भी काम कर सकते हैं, लाइक यू नो बीट अच्छी और बीट अ बुरी स्क्रिप्ट, बट यू नो दिस स्क्रिप्ट वाज अमेजिंग. हम जब रीडिंग के लिए भी गए थे, जब वो हमें बस सुना रहे थे कि ये होने वाला है, तो हम फ्रॉम द वर्ड गो टिल लास्ट एपिसोड के अच्छा दी एंड, हमारे पूरे टाइम हमारी एक बिग आई थिंक वी हैड द बिगेस्ट स्माइल बिकॉज हमें भी ऐसा मज़ा आ रहा था सुनने में. तो अभी इमेजिन करो ऑडियंस को देखने में कितना मज़ा आएगा क्योंकि सबने बहुत ही प्यार से बनाया है. सो या आई थिंक व्हेन वी वर लिसनिंग टू द स्क्रिप्ट फर्स्ट सीन से ही मुझे लगा लाइक मैं पिक्चर कर सकती थी मैं अपने आप को और सनम को उन कैरेक्टर्स में. और ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नया है. इट्स नॉट लाइक अ सीरियस जो यू नो वेब सीरीज में होता है, विच इज़ ऑल्सो गुड अपनी जगह पर, और थोड़ा ये लाइट है. कोई तक हार के आएगा घर तो यू नो थोड़ा सा कभी कभी लाइट देखने का मन करता है. yes. तो आई थिंक मैं तो ये देखने वाला हूँ बार बार, नॉट जस्ट क्योंकि हम हैं इसमें बट ऑल्सो क्योंकि also ये बहुत हम इंटरेस्टिंग है. ऑब्वियसली सी एवरी मीडियम जो होता है, आप थिएटर देख लो तो उनकी एक डिफरेंट टाइप की एक्टिंग होती है, टीवी होती है तो डिफरेंट टाइप की एक्टिंग होती है, फिल्म्स, वेब सीरीज एंड सो ऑन, हर प्लेटफॉर्म का एक अलग किस्म का एक्टिंग होता है. एंड आई थिंक एज एन एक्टर इट डजेंट रियली मैटर कौन से मीडियम पे हो आप, एज लॉन्ग एज कि आप घर आके खुश फील करते हो कि अरे चलो आज मैंने अच्छा काम किया है, बी इट एनी थिंग. तो ऑब्वियसली वेब में एक बहुत ही नेचुरल फील था एंड यू नो इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम टीवी, बट दैट्स आई थिंक द एक्साइटिंग पार्ट ना. अगर आप सेम चीज करते रहो तो आप भी थोड़े टाइम के बाद यू नो वो हो जाते हो. तो यस इट वॉज नाइस, इट वॉज इंटरेस्टिंग. किसी को भी मोनोटनी हिट करना पसंद नहीं है. या वो फिर नॉट दैट कॉर्पोरेट जॉब्स आर बैड,
बट एक मोनोटनी आती है कि 9 to 7 ये सब चल रहा होता है. सो आई थिंक फॉर आर्टिस्ट, फॉर एक्टर्स, फॉर परफॉर्मर्स, ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफॉर्म करना. जैसे उन्होंने बोला कि वेब सीरीज़ में एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, टीवी में अलग रिक्वायरमेंट होती है, फिल्म्स में डेफिनेटली अलग रिक्वायरमेंट होती है. तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मज़ा ही आता है कि हम अलग अलग किरदार प्ले कर रहे हैं और एक एक्साइटमेंट होती है. सो अगर बात किया जाए नो ओटीटी हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम एस्पेक्ट ऑफ द एक्टर्स आल्सो. फॉर यू गाइस नाउ स्क्रीन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है या कैरेक्टर, बिकॉज़ ओटीटी में कभी-कभी स्मॉल कैरेक्टर आल्सो प्ले अ बिग रोल. एक्चुअली द कैरेक्टर, इट डजंट मैटर कि आप मतलब लीड हो या ये हो, बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे अच्छा लगे वो कैरेक्टर, मुझे अच्छा लगे वो शो. मतलब एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर भले ही दो सीन के लिए हो, आई थिंक दैट रियली लीव्स अ मार्क. सो यस, आई थिंक द कैरेक्टर, ऑलवेज द कैरेक्टर. एटलीस्ट हमारे स्टोरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे. एक हमारी दोस्त भी है जो हमारी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी है, इसकी बेस्ट फ्रेंड प्ले कर रही है, उसका नाम चारू है, चारू मेरा. चारू, वी मिस यू. चारू, वी मिस यू. तो शी इज ऑल्सो डन अ ग्रेट जॉब, क्योंकि एक अलग कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा था. एंड शी ऑल्सो हैड लॉट्स ऑफ फन, व्हिच आई कैन पॉसिबली से इट फॉर हर. क्योंकि जब हम तीनों ने शूट करके वापस आए तो हम बस धप्पा के बारे में ही बात कर रहे थे, अपनी स्टोरी के बारे में ही बात कर रहे थे. एंड यू नो सेइंग कि सेट पे कितना कंफर्ट था, कितना मज़ा आया. सो एंड चारू आल्सो हैपेंड टू लिव विद अस लॉकडाउन के टाइम पे. तो कहीं ना कहीं तीनों की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही नेचुरल थी. Yeah, and it's fun because obviously एक जिससे आप जानते हो उसके साथ एक सीन करने में एक वो कम्फर्ट आ ही जाता है, वो एक केमिस्ट्री आ ही जाती है. तो इट्स ऑलवेज अ प्लस पॉइंट वर्किंग विद पीपल यू नो. आई जस्ट होप ये सबको अच्छा लगे और मुझे और बस डायरेक्टर्स का फोन आए और मुझे तो सब काम करना है यार. यहाँ पे 13-14 साल से काम करके रही हूँ एक एपिसोड में. आएगा, डेफिनेटली आएगा, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली सनम, आई नो कि मुश्किल होता है. मेरे लिए डांस करना इनिशियली मुश्किल था. आई नो कि एक आर्टिस्ट के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जितना जरूरी होता है उतना ही मुश्किल होता है. बट आई थिंक वही आपको पुश करता है यू नो, एंड वही आपको रियलाइज़ करवाता है कि ओ आप ये भी कर सकते हो. मैं शायद अगर सनम के साथ डांस नहीं करती, मुझे शायद रियलाइज़ भी नहीं होता कि शायद ओके मैं ठीक ठाक डांस कर लेती हूँ. मैंने कभी उतना अटेम्प्ट ही नहीं किया था. बहुत मॉडर्स्ट है, अभी बहुत अच्छा डांस कर लेती है. शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल डांसर बट शी कैन पिक अप प्रोफेशनल स्टेप्स लाइक दैट. तो थैंक्स गाइस, दैट्स इट, दैट्स माय आंसर. मेहनत की बात है. आई थिंक मेहनत और इंटेंशन अगर राइट हो तो आई थिंक यू कैन डू पॉसिबली एवरीथिंग. एग्जैक्टली. अच्छा, कूल. एनी पेट, डॉग, कैट, फिश, बर्ड्स. शी इज जस्ट क्रेजी अबाउट एनिमल्स. बट आई फील क्योंकि हमारे पास एक अभी पपी है, ऑल्दो इसके घर में अभी एक किटन है, कैट है. सो आई थिंक बोथ फॉर हर. But I dogs maybe. Yeah, but अपना तो dogs. Yeah. Okay, for some dancing or acting. Dancing will always be love for him. Acting is something he's interested in and he should definitely pursue it because I think he's a very like all rounder artist. वो dance भी अच्छा कर लेता है, action भी अच्छा कर लेता है, acting भी अच्छा कर लेता है. So, but yeah, obviously for me, जितना मैं dance कर लूँ, acting is going to be first love, and I know for him, dance will always be his first love. ऑनलाइन शॉपिंग एक्चुअली, क्योंकि नाउ बिकॉज ये जो पैंडमिक ने हमें फ़ायदे दिए हैं बाहर ना निकलने के, तो इसको हमने भरपूर इसका इस्तेमाल किया है. सो वी बोथ आर लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एंड बाहर जाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाके ऐसे लगता है अभी इसको ट्राई भी करना होगा. सो आई फील ऑनलाइन शॉपिंग. ओपन स्पेस और एट होम. Yeah, open space at home. But gym wala to, he's taken memberships and gone for 3 days. एक साल की membership में मैं सिर्फ 3 दिन गया हूँ, वो भी regularly नहीं. एक महीने में एक बार, फिर next महीने एक बार. But I think वो घर पे ज़्यादा enjoy करता है. हम लोग park भी जाते थे lockdown के time पे, because वो ही इकलौता वो होता था कि बाहर निकलो थोड़ा. तो हम लोग रोज़ सुबह 8 बजे उठ के park जाते थे, I remember. तो हाँ, वहाँ पे मज़ा आता था, मिलजुल के हम लोग कर लेते थे अपना वर्कआउट. बट डेफिनेटली नॉट जिम. एक और ऑप्शन ऐड कर दो उसमें, कैजुअल. कैजुअल वेयर, कैजुअल वेयर पजामाज मान लेते हैं. नाइट वेयर, आई विल से नाइट वेयर.
Yeah, he's right. Paratha. He loves pizza, but his go-to is paratha. Matlab, it's a very, very good question because these two are the top of his list, but. But paratha, his mom, sure. She's right. His mummy ke haath ka paratha, definitely. Okay. So lastly, aap log ke character ke andaaz mein ek message ho jaye audience ke liye. वो हमारी कैरेक्टर के हिसाब से हाय मेरा नाम कार्तिक है नमस्ते हमारा नाम कार्तिक है और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा नाम अनुष्का है और हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं इनसे प्यार मैं एक्चुअली इनका नाम भूल गया था आई न्यू इट यू फॉरगॉट माय कैरेक्टर बट अनुष्का आई लव यू फ्रॉम कार्तिक तो नहीं नहीं गलत बोल रहे अनुष्का ही अनुष्का ही है नहीं नहीं अनुष्का तो अनुष्का एंड कार्तिक की ये एक प्रेम कहानी है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने इसके लिए बहुत मेहनत की बहुत मेहनत की प्यार करने में बहुत मेहनत होती है गाइस गाइस नहीं बोलता तुम्हारे दोस्तों दोस्तों धप्पा मेरी लाइफ नहीं धप्पा हम दोनों की लाइफ में हुआ है और उसे जानने के लिए आप देखिएगा धप्पा ऑन हंगामा प्ले That's it. लगा रे धप्पा लगा रे धप्पा सनम मैं उतना अच्छा नहीं गाती जितना तुम गाते हो हाय मैं हूँ सनम जौहर एंड आई एम अबिगेल एंड आप हमें देख रहे हैं IWM बस पर